हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों एक अनाउंसमेंट हुई है भाई, नेटफ्लिक्स पर ये अनाउंसमेंट हुई है, काला पानी की अनाउंसमेंट हो गई है। तो इस सीरीज़ में क्या होने वाला है ये तो अपन अभी जब इसका ट्रेलर देखेंगे तब अपन को पता लगेगा। भाई काला पानी की जब भी बात होती है तो ब्रिटिश राज की जो जेल थी, जो काला पानी की जो सज़ा दी जाती थी, उसी की याद आती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नाम लग रहा है, तो देखते हैं इसका जेल से कोई संबंध है कि नहीं और क्या क्या इसमें अपन को इस ट्रेलर में देखने को मिलता है। किरदारों की बात कर लूँ तो दोस्तों इसमें हमें मोना सिंह और आशुतोष गोवारिकर दिखने वाले हैं। जो एक्ट्रेस मोना सिंह दोस्तों वही हैं जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान की माँ का किरदार निभाया था। उनका काफ़ी रोल बड़ा था, इमोशनल और काफ़ी अच्छी एक्टिंग उन्होंने उसमें की थी। तो नेटफ्लिक्स और पोशम्पा पिक्चर्स ने इस मूवी को मिलकर बनाया है। बताया जा रहा है दोस्तों कि यह सीरीज़ एक सर्वाइवल सीरीज़ होने वाली है, मतलब जो सर्वाइवल का एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है तो वो काफ़ी हिट भी होता है, तो उसके ऊपर ये सीरीज़ है। तो देखते हैं दोस्तों इस सीरीज़ के ट्रेलर में अपन को क्या क्या देखने को मिलता है। बिना देरी के दोस्तों ट्रेलर शुरू करते हैं। समुद्र आदिवासी मोना सिंह आपकी सुरक्षा के लिए जेल भी काला दिखाई पानी की है। असली दीवार तो बाहर है। और वो ईंटों से नहीं, पानी से बनी है। ये हाथ में क्या है? नेटफ्लिक्स सीरीज भाई। ये यार ट्रेलर तो काफी अच्छा था। मोना सिंह तो काफ़ी कम दिखाई दी इस ट्रेलर के अंदर, पर ट्रेलर काफ़ी अच्छा था यार, क्योंकि जो डिज़ाइन किया गया है जिस तरीके से इस सीरीज़ को, वो काफ़ी यार अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि काफ़ी ग्रांड लग रही है, काफ़ी बड़ी लग रही है ये सीरीज़। और जिस तरीके से जो स्क्रीन पे जो आ रहे थे सीन्स, वो यार इम्पैक्ट डाल रहे थे सीधा, मतलब कि हिट कर रहे थे आपको इसके अंदर दोस्तों। इन्होंने वो जो मैं बोल रहा था आपको कि सर्वाइवल का थोड़ा है, तो शुरुआत के सीन में जो एक एक बोट टाइप दिखाई दे रही होती है, तो उस पे जो कुछ लोग दिखाई दे रहे होते हैं, तो ऐसे ही लग रहा होता है कि कोई सर्वाइवल का तो है इसके अंदर। ज़्यादा स्टोरी इन्होंने खोली तो नहीं है, पर एक जो आदिवासी एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था इसके अंदर, तो नेचर का कुछ ना कुछ इसमें पार्ट तो नज़र आता है। मुझे लग रहा है कि नेचर का काफ़ी बड़ा इसमें रोल एक दिखाई देगा अपन को। कालापानी वो जेल थी, उसके बारे में ज़्यादा इसके अंदर बात नहीं की गई है, सिर्फ थोड़ा सा एक सीन था जिसके अंदर वो सेंट्रल जेल दिखाई देती है। उसके बारे में ज़्यादा बाद में ही पता लग पाएगा, जब ये सीरीज़ अपने सामने आएगी तभी उसको देखकर ही पता लग पाएगा कि उस सेंट्रल जेल का कितना पार्ट है इस सीरीज़ के अंदर। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि इसके अंदर जो नेचर और सर्वाइवल का जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है। इस सीरीज़ को यार कम तो नहीं आंकना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल मैंने देखा है यार, जब से OTT आया है उसके अंदर ये बात एक सच साबित हुई है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया भी है कि आजकल जो जनता है या जो दर्शक है, उन्हें सिर्फ चाहिए एक बढ़िया स्टोरी लाइन और एक उसका जो प्रेजेंटेशन है, अगर वो अच्छा है तो जनता उसको बिल्कुल पसंद करती है और वो उनको अच्छा लगता है, वो पसंद करते हैं उसको। तो यार ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो सर्वाइवल का जो कॉन्सेप्ट है और जो नेचर का जो एक इंसान और एक नेचर का जो एक दूसरे के संग जो खिंचाव और जो संघर्ष चलता है, उसको कहीं ना कहीं ये सीरीज़ मेरे को लगता है छुएगी। तो सिनेमाटोग्राफी है इसकी, वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, और जो कलर ग्रेडिंग थी, जो कलर जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर, तो जिस तरीके से वो सीन्स पे आ रहे थे, इम्पैक्ट डाल रहे थे, वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये जो बात है इसको भी बोलना बहुत ज़रूरी है कि जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी काफ़ी अच्छा था और वो वाकई में इम्पैक्टफुल था। एक और जी जो चीज़ इस सीरीज़ में मेरे को नज़र आई कि वो सिम्बॉलिक जो था, जो एक पता नहीं वो पत्थर पे एक निशान सा था और बाद में वो ज़मीन पे भी शायद उसको बनाया गया, तो वो जो निशान था उसका भी कुछ ना कुछ तो पार्ट है। और एक्चुअल में ये शायद मान्यताओं के ऊपर है कि जो जैसे हम भी कहीं रहते हैं और जो अपना एक समाज होता है उसके अंदर जो मान्यताएं बन जाती हैं, तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ थी तो उसको भी ये सीरीज़ छूती है। तो छोटी छोटी बारीकियां हैं इस सीरीज़ के अंदर जो अपन को इसमें देखने को मिलेंगी,
और काफ़ी मतलब कि आप जो आदिवासी समाज होता है उसके अंदर भी कई मान्यताएं होती हैं, तो वो उनको अपने साथ लेकर चलते हैं, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी तभी खुलेगा जब अपन इस सीरीज़ को देखेंगे नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों आपको ये ट्रेलर रिएक्शन कैसा लगा, और ये जो काला पानी का ट्रेलर आया है ये आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।